फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा किचन मैजिक। आज हम बनाएंगे रिमझिम बारिश में बिल्कुल चटपटी और करारी मिर्ची भज्जी, जो शाम की चाय के साथ बहुत ही मजेदार लगती है। इसे घर पे बनाना काफी इजी है। मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगी, जिससे आपकी मिर्ची भज्जी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से 5 मिर्ची लेंगे। जो बड़ी वाली मिर्ची होती है वही हमें लेना है। इसको वॉश करके इसका पानी जो है ड्राई कर लिया है। अब हम इसको बीच से कट करेंगे। पूरा नीचे तक हमें नहीं कट करना है, सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर उसको ही कट करना है। अब हम इसकी जो अंदर सीड होता है और कुछ रेशे टाइप के होते हैं वो हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह हम सारे मिर्ची को क्लीन करके तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम भज्जे के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 कप बेसन लेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे, यानी राइस फ्लोर। इससे जो भज्जी होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसके बिना भी आप मिर्ची भज्जी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, यानी कैरम सीड। इसको हम क्रश करके ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। एक ही साथ ही हमें बहुत सारा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर करके साइड में रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम 4 बॉईल किया हुआ पोटैटो लेंगे। इसको हम ऐसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर सकते हैं। ये देखिए हमने पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। चुटकी भर हम इसमें हींग ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। अब हम इसमें 1/2 चॉप्ड किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। अब हमें इसे ट्रांसलूसेंट कर लेना है। इसे हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉटे कर लेना है। 1 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और सभी चीजों को हम सॉटे कर लेंगे। ये देखिए सभी चीजें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हम मसाले ऐड करें तो मसाले हमारे जले ना। अब हम सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीजों को हम मिक्स करके इसे भून लेंगे, जब तक कि मसालों से ऑयल अलग ना हो जाए। आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मसालों से ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसे मैश किया हुआ पोटैटो ऐड करेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे ऐसे भून लेंगे। चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा आलू का जो मसाला है बनके तैयार हो चुका है। ये मल्टीपर्पज मसाला है। आप इसका ब्रेड पकौड़ा, आलू वड़ा या फिर ब्रेड सैंडविच बना सकते हैं। अब इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे। पोटैटो की जो स्टफिंग है वो लेंगे, इसमें स्टफ करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हमें इसमें स्टफ कर लेना है, आप देख सकते हैं। इसी तरह हम सारे मिर्ची को पोटैटो से स्टफ करके तैयार कर लेंगे। इधर हमारा बेसन का बैटर भी बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम एक ग्लास में ऐड करेंगे। इधर हमने ऑयल को भी रख दिया था गरम होने के लिए। अब हम एक एक मिर्ची भज्जी को इस बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से बैटर को गिलास में ऐड करने से जो मिर्ची भज्जी होती है बहुत इजली तरीके से कोट हो जाती है। एक टिप्स है, आप देख सकते हैं। अगर मिर्ची भज्जी अच्छे से डिप नहीं हो रही तो उसके ऊपर हल्का हल्का आप ऑयल डालते जाइए। इसी तरह हम सारे मिर्ची भज्जी को फ्राई कर लेंगे। मिर्ची भज्जी को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। लीजिए तैयार है बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी मिर्ची वड़ा यानी मिर्ची भजी। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, इट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।